आज मैं बात करूंगा एक ऐसे डेवलपर्स के प्रोजेक्ट की जो कि बैरियर टाउन के वेल नोन और ऑथेंटिक डेवलपर्स हैं। इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट बिफोर टाइम डिलीवर्ड हो चुके हैं, यही वजह है कि इनके जो भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होती हैं। फॉर मोर डिटेल्स कीप वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। अस्सलाम वालेकुम, टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जवाब महमूद। जैसा कि आप जानते हैं कि टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आपको डेली बेसिस पर डिफरेंट सोसाइटीज़ के हवाले से जो है अपडेट प्रोवाइड की जाती है। आज की जो मेरी वीडियो है, बैरियर टाउन के वेल नोन डेवलपर्स का एक न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है पल वन कोर्टयार्ड, उसके हवाले से है। इसकी लोकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा प्राइम है, यूनिक लोकेशन है इसकी, क्योंकि इसकी लोकेशन पर जो है मल्टीपल अप्रोचेज लगती हैं। जो रिंग रोड है वो 2 से 3 मिनट की ड्राइव पर है। इसके नियरेस्ट इंटरनेशनल बैरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, बैरिया इंटरनेशनल स्कूल और कॉलेज है, ट्विंटर लैंड है और आईफिल टावर, जितनी भी अप्रोचेज हैं ये वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं। अगर इसके डेवलपर्स की बात की जाए तो ABS डेवलपर्स हैं और इनके जो ऑनर हैं डॉक्टर सुबेल इकराम साहब हैं। इनके जो प्रीवियस प्रोजेक्ट हैं पल वन टावर, इन्होंने सबसे पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया था बैरियर टाउन में, जो इस टाइम पे जो है फिनिशिंग की स्टेजेस पर है और नियर टू पोजीशन है। उसके बाद गोल्फ व्यू रेजिडेंशिया में ABS मॉल के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया और वहाँ पर भी इस टाइम पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। थर्ड प्रोजेक्ट जो है इन्होंने बैरियर टाउन में फर्स्ट टाइम टॉलेस्ट बिल्डिंग जो है इंट्रोड्यूस करवाई है, जहाँ पे वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ होंगी और ये वो एमिनिटीज़ होंगी जो आपको कतर, सऊदीया, दुबई, गल्फ के जो अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर आपको मिलती हैं। 3.5 किनाल पे जो ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, जिसमें फर्स्ट टाइम जो है बेसमेंट में 2 बेसमेंट डेडिकेटेड पार्किंग है। बैरियर टाउन में अगर आप जितने भी प्रोजेक्ट्स देखें उनमें बेसमेंट में पार्किंग नहीं होती, तो फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पे 2 बेसमेंट जो है डेडिकेटेड पार्किंग है। ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे जो कमर्शियल शॉप्स हैं, सेकेंड फ्लोर टू ऑनवर्ड 12th फ्लोर तक जो है यहाँ पर 1 बेड 2 बेड और 3 बेड अपार्टमेंट आ जाते हैं। 13th और 14th फ्लोर पे जो है आपको पेंट हाउसेज मिलते हैं। जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ उस टाइम पे जो प्री लॉन्च प्राइसेस थी वो 12,000 पर स्क्वायर फीट रेट थे। और अगर देखें बैरियर टाउन में जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं इतने इकोनॉमिकल बजट में 12,000 पर स्क्वायर फीट रेट के हिसाब से आपको कहीं पर भी अपार्टमेंट नहीं मिलते। और जितनी यहाँ पर वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ हैं, मस्जिद, लाइब्रेरी, कॉर्पोरेट ऑफिस, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, जिम, ये जितनी भी एमिनिटीज़ हैं आपको अंडर वन रूफ मिलती हैं। यहाँ पे 1 बेड 2 बेड 3 बेड जो है अपार्टमेंट लॉन्च किए गए थे और वो 12,000 पर स्क्वायर फीट रेट थे। और अभी जो है डेवलपर्स की तरफ से जो है रेट रिवाइज हो चुके हैं और वो 14,000 पर स्क्वायर फीट रेट हो चुके हैं। अगर देखा जाए ये 14,000 पर स्क्वायर फीट रेट भी जो है बहुत इकोनॉमिकल है। बैरियर टाउन में इस टाइम जितने भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं 17,000-18,000 पर स्क्वायर फीट रेट कॉस्ट कर रहे हैं। प्री लॉन्च रेट पे जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था उस टाइम 1 बेड अपार्टमेंट की जो डाउन पेमेंट थी 20 लाख थी। तो डेवलपर की जानिब से जो है एक ऑफर जो है लॉन्च हुई है, जिस ये उन मेंबर्स के लिए जो लो बजट के अंदर रहते हुए ये ऑफर अवेल करना चाह रहे हैं, जिसमें 1 बेड अपार्टमेंट की डाउन पेमेंट जस्ट 8 लाख है और 2 बेड अपार्टमेंट की जो डाउन पेमेंट है जस्ट 12 लाख है। ये ऑफर अवेल करने की लास्ट डेट जो है 11 दिसंबर है, उसके बाद जो है ये इसकी डेट एक्सटेंड नहीं की जाएगी। तो जो लोग ये ऑफर अवेल करना चाहते हैं तो 11 दिसंबर से पहले पहले जो है वो अपने अपार्टमेंट की बुकिंग करवा सकते हैं। अगर आप पल वन कोर्टयार्ड के हवाले से मज़ीद इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं या आप बुकिंग प्रोसेस के हवाले से इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट करें। फॉर ओवरसीज क्लाइंट्स मुझसे व्हाट्सएप और ईमेल पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।